फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी क्यूब्स। सो हम कुछ दिनों से एक इंटरव्यू कैसे क्रैक करें इस बारे में बात कर रहे हैं। आज का वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाला है कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे क्रैक करें। फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट जॉब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमें जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि टिप्स क्या है जो एक फ्रेशर को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प करे। तो पहली टिप है ऑलवेज बी ऑन टाइम। ऐसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। आप अगर फर्स्ट इंप्रेशन इंटरव्यू बनाने वाले फेल हो गए तो शायद आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। आप पहले ही 10 या 15 मिनट इंटरव्यू लेट हो गए तो इंटरव्यू को आपके लिए वेट करना पड़ेगा एंड दिस मे कॉस्ट यू फॉर अ जॉब। जॉब का इंटरव्यू देने से पहले आप रिजेक्ट हो जाओगे। किसी को लेट कमर्स किसी को पसंद नहीं, तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हो कि शायद आप आकर आउट ऑफ टाउन जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो पहले सर्च करके रखिए कि वहाँ पे कैसे पहुंचा, आप कौन से नंबर की बस लेने होगी, आपको ऑटो करना है या कि कैब करनी है, सब पहले डिसाइड करके रखिए। अपने इंटरव्यू के ऑफिस में अगर टाइम के 10 मिनट 15 मिनट जल्दी चलाए तो ये अच्छा इंप्रेशन बनाएगा इंटरव्यू के ऊपर और शायद आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ भी सकते। सेकेंड टिप है कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे आपके सीवी के या रिज्यूम के दो कॉपीज मांगे और आपके पास एक ही है। इंटरव्यूअर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जैसे कि आपके इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स या फिर आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स या कुछ और आपके पास नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है इंटरव्यू के ऊपर। जितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उतने इंटरव्यू के लिए अपने साथ कैरी कीजिए, तो इसका फायदा आपको जरूर होगा। थर्ड टिप ये है, आप इंटरव्यू जाते हो ऐसे मत जाइए कि आप दोस्तों मिलने जा रहे हो, ठीक से ड्रेस कीजिए खुद को, लेकिन कुछ फॉर्मल ड्रेस कर लीजिए, कुछ ज्यादा कैजुअल। फोर्थ टिप ये है मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डल नहीं होनी चाहिए आपकी, या बहुत ज्यादा नेगेटिव फैला ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू जब आपके सामने हैंडशेक के लिए हाथ आगे करे तो आपका हैंडशेक बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं है, ज्यादा लूज भी नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा लूज हैंडशेक करते हैं जिससे वो पता चलता है कि अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर बहुत ज्यादा फर्म बहुत ज्यादा हार्ड आकर आप हैंडशेक कर दो तो ये बहुत बड़ा आप में ईगो है या फिर एटीट्यूड है, ये बात दर्शाता है। तो आपका हैंडशेक एकदम फर्म भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप जब बैठ जाते हो तो ऐसे मत बैठिए इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आपके जो कुछ रिज्यूम है वो इंटरव्यू के टेबल पे मत रखिए, या फिर आपके बैग को ऊपर टेबल पे मत रखिए, या फिर आप जब बातें कर रहे हो तो आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहे हो, सामने से मुझे क्वेश्चन कर रहा है कोई और मैं यहाँ देख के आंसर कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है इंटरव्यू के ऊपर। सो इंटरव्यू के आंखों में देखिए, उसे अच्छा आई कॉन्टेक्ट बने, इतने भी मत देखिए कि उसे लोग आप घूर रहे हो, उसे एक डिसेंट आई कॉन्टेक्ट रखिए, बैठते वक्त आपकी शोल्डर्स को स्ट्रेट रखिए, ठीक से बैठिए, तो एक इंटरव्यू के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट 70% काम करती है आपके इंटरव्यू। आप क्या बोल रहे हो उससे आप कैसे बैठे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो, ऐसे भी इंटरव्यू को नहीं लगना चाहिए। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, कि आप में कुछ एटीट्यूड है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है इंटरव्यू के। फिफ्थ टिप ये है कि इंटरव्यू को जाने से पहले कंपनी का रिसर्च करके जाइए, कि बहुत सी बार ऐसे कुछ कंपनी के बारे में पता करके इंटरव्यू में चला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार ये सवाल होता ही है। तो कंपनी आईटी सेक्टर में काम कर रही है और आप बोलोगे एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला इंटरव्यू के ऊपर। इस बार फ्रेशर को रिजेक्ट करने का रीजन ये नहीं होता कि उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर पाते। बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उन बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपको जानना हो तो मैंने एक अलग से उसे वीडियो बनाया हुआ है कि हर एचआई इंटरव्यू में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आप वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बेसिक क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। आप बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो कैसे करने हैं ये प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा रट के मत जाइए। ऐसे नहीं चला कि आपकी जैसे रट्टू पोपट की तरफ सिर्फ बोल रहे हो, तो ठीक से उसे पढ़ के जाइए, उसे स्टडी करके जाइए, कंपनी का जीडी देखिए, आपके पास वो स्किल्स है, वही स्किल्स बताइए जो कंपनी के जीडी में है, वही स्किल्स बताइए जिसकी कंपनी से ढूंढ रही है। जैसे कि आईटी डेवलपर को ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बताना है, ना कि आपके पास लीडरशिप कैसे है, फिर आपने फिफ्थ क्लास में कैसे स्पोर्ट्स में जीता था, ये नहीं बताना है। आपको आंसर कैसे करना है वो पहले स्टडी करके जाइए। सेवेंथ और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को पहले चेक कीजिए एक बार खुद, जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ पे हर इंटरव्यू ऑलमोस्ट हर फ्रेशर का सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर ट्विटर। आप जैसे फ्रेशर हो, मतलब आप कॉलेज से अभी पास आउट हो, तो कुछ ऐसे पोस्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप टैग्ड हो, पोस्ट बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है इंटरव्यू के ऊपर। तो पहले चेक कीजिए किसी आपके दोस्त ने ऐसे पोस्ट में आपको टैग किया हुआ है क्या, वो पहले चेक कीजिए।
अगर टैग किया हुआ है किसी पोस्ट में तो अनटैग करिए खुद को, कुछ आपने कुछ पोस्ट किए होंगे तो उसे भी डिलीट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया मैटर करता है अभी इंटरव्यू में। पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था लेकिन अभी मैटर कर रहा है। हर बार रिक्रूटर सोशल मीडिया प्रेजेंस पर चेक करता ही है कि आखिर ये बंदा है कैसा। आपको मिलने से पहले सोशल मीडिया आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है, तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस को ठीक कीजिए। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि डेमोन्स्ट्रेट योर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। उसके लिए कुछ आपको मैं बताता हूँ कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। आपको पहला ये है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप किसी दोस्त के साथ गप्पे नहीं लड़ा रहे हो, आप इंटरव्यू बैठे हो, क्योंकि हमें आदत होती है कॉलेज में दोस्तों के साथ बात करने की। सो वो लैंग्वेज यहाँ पे यूजफुल नहीं हो सकती। सो अपने वर्ड्स को ठीक तरह से यूज कीजिए। सेकेंडली, क्वेश्चन को ठीक से सुनिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं आंसर करने के लिए। ये कोई रेस नहीं होने वाली है, जहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहा है आपको 2 सेकेंड में आंसर करना है। ठीक से सोचिए, ठीक से सेंटेंस को फ्रेम कीजिए और फिर आंसर कीजिए। आपके वर्ड्स को वाइजली यूज कीजिए, कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। फिर से आपको बता रहा, आपके आंसर्स को एक मॉडरेट साइज में डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। कुछ ज्यादा बड़े आंसर्स भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करता, और एक वर्ड में आंसर भी देना ये भी अच्छी बात नहीं है। या फिर अगर कोई आपके से ऐसे आपकी स्ट्रेंथ पूछे तो आप एक ही स्ट्रेंथ नहीं बताने वाले। सिर्फ किसी ने पूछा कि आप, अगर इंटरव्यू ने मुझे पूछा होता क्या है आपकी स्ट्रेंथ, और मैंने बोला लीडरशिप, तो ये खत्म हो गया। तो ये ऐसे आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू से इसे पता चलेगा इसे कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है ठीक से, सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। या फिर मैंने अगर बहुत बड़ा एक आंसर दे दिया तो भी इंटरव्यू को बोर करेगा। सो एक शॉर्ट आंसर रखिए, फिर उसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में मत बोलिए, पूरी फॉर्मल लैंग्वेज यूज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन पूछिए। इंटरव्यू को एक्सपेक्टेड होता है कैंडिडेट कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करेगा, तो ठीक से क्वेश्चन कीजिए। कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछिए। आपको सवाल पूछेंगे, इलॉजिकल क्वेश्चन सवाल नहीं पूछने हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला ऐसे सवाल मत पूछिए। जैसे आप सैलरी डिस्कशन कर रहे हो तो इंटरव्यू से ये मत पूछिए कि आपकी सैलरी कितनी, क्योंकि वो आपका काम नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि वो कितना सैलरी, उससे कंपनी कितना दे रही है। वो आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि एक सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी है। सो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है इंटरव्यू के ऊपर, कि ये बंदा मेरी सैलरी क्यों पूछ रहा है, मैं इसका इंटरव्यू या मेरा इंटरव्यू दे रहा है। तो सवाल पूछिए लेकिन लॉजिकल सवाल पूछिए, जैसे कंपनी कल्चर के बारे में पूछिए, आपका जॉब आखिर होने क्या वाला है वो पूछिए। तो पूरी सारी डिस्कशन कीजिए, एक ओवरऑल डिस्कशन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू कभी वन साइडेड नहीं होता है, वो टू वे कन्वर्सेशन है। तो ठीक से उसे बोलिए, उनसे कम्युनिकेट अच्छे से कीजिए और सवाल पूछिए, लेकिन लॉजिकल सवाल पूछिए, कोई इलॉजिकल सवाल मत पूछिए। सो ये थे कुछ टिप्स फ्रेशर्स के लिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताना। आपका कोई दोस्त जस्ट कॉलेज पास आउट है और जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उससे वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो एडिक सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।